नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्या वो भी पूरे देश में भ्रमण करेंगे? जो देश की बात कही जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या तेजस्वी यादव भी, नीतीश कुमार जिस प्रकार से घूम रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे? तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जाना कहीं नहीं है, सभी देश के लोगों को एकजुट रहना है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि बिहार के विकास की जो बात है, और जो अमित शाह पटना जो बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आने को लेकर एक तरफ जेडीयू जो कह रही है कि भड़काया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है, तेजस्वी यादव ने भी इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके बयान को। चौटाला जी का फोन आया था, ताऊ देवीलाल जी का लोग लगातार हर साल जो है, तो हमारे पिता का पुराना ताल्लुक रहा है, सब लोग एक ही दल में रहे, बल्कि हमारे पिता के नेता भी रहे हैं देवीलाल जी, और हमारा वर्षों का संबंध रहा है। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम साथ ही जा रहे हैं, उसमें तो कार्यक्रम है ही, उसमें तो हर साल होता रहा। सर, आप भी मोदी के लिए क्या पूरे भारत में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए आप ही निकलने वाले हैं सर? नहीं, हम लोगों का एक ही मकसद है, निकलना क्या, देश में ही रह करके सब काम को करना है, यही ना रह करके सब लोगों को गोलबंद करना है। जो बिहार में हुआ वही देश में हो जाए, तो कहीं लोग बीजेपी एंटी टिकने वाला नहीं। सर, अभी 23-24 को और जेडीयू की तरफ से बोला जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू नहीं, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है, तो ये बताने की जरूरत है। उनका नाम सुनते ही देश भर में ये चर्चा तो हो ही ना जाती है कि भाई उनका क्या काम है,